हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 11। हमारी ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन बाय 11। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वैदिक 2A, ये वैदिक 2A बुक में भी है, वैदिक 2B, वैदिक 2B में भी है और वैदिक 3। देयर आर 3 बुक्स, इन ऑल बुक इट हैव, देयर इज मल्टीप्लिकेशन बाय 11 इन ऑल 3 बुक्स। सो आई विल नॉट स्पीक पर्टिकुलरली कि किस क्लास का मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इफ यू हैव एनी 3 बुक, दिस इज द ट्रिक विच इज वेरी यूजफुल इन योर सिलेबस। सो आई विल टीच हाउ वी मल्टीप्लाई बाई 11। फर्स्ट आई एक्सप्लेन मल्टीप्लीकेशन बाई 11। मल्टीप्लीकेशन बाई 11 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू लर्न, बिकॉज इफ वी लर्न इट थॉरली, इफ वी डू द लॉट ऑफ प्रैक्टिस बाई मल्टीप्लीकेशन बाई 11, it will be very helpful in all these tricks. There are 8 tricks, multiplication by 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. In all tricks we have the same 2 steps, as well as in all other 8 tricks, 22, 33, 44, 55. 2 steps almost are the common. First step to common hi hai, second step bhi kafi had tak aapka common aa jata hai. To multiplication by 11 ko jab hum karenge, to aaj ki क्लास में मैम आपकी 19 ट्रिक्स को कवर करने वाली है। आई विल ट्राई टू कवर 19, अदरवाइज आई विल मेक इट इन 2 पार्ट। ओके, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय 11 इज द कॉमन ट्रिक। हाउ वी मल्टीप्लाई बाय 11, एक बार डिटेल में देखेंगे। 47 इंटू 11, जब हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते थे आपको याद होगा 47 इंटू 23। स्कूल में भी हमने सीखा था, यहाँ सेकंड प्लेस पे 0 लगाते थे ना, इंटर 0। 0 मीन्स यही 0 जो एक रॉड को मूव करता था। ट्रिपल डिजिट की मल्टीप्लाई करते थे तो 2 0 लगाते थे ना। देखो मैं कर ही लेती हूँ, 3 7 21 2 144। फिर हम कभी भी 2 7 14 डायरेक्ट नहीं लिखते थे, वी ऑलवेज पुट अ 0 और क्रॉस, कोई किसी किसी स्कूल में क्रॉस, किसी में 0। फिर हम इसके बाद 2 7 14, 2 4 8 1। तो ये जो 0 होती है, जो ये एक रॉड को मूव कराती है हमारे कॉन्सेप्चुअल मैथ का, वैदिक में हमारा क्या स्टेप आता है, वैदिक में आता है पुट 0 बिफोर एंड आफ्टर द नंबर। दिस विल बी कॉमन स्टेप इन ऑल 19 ट्रिक्स, इट विल बी कॉमन। सबसे पहले आपको 0 लगाना है। अब 0 लगा के आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हो दोबारा, ठीक है ना, और या यू कैन डायरेक्टली पुट 0 इन योर क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन टीचर। कोई कोई टीचर कहती है नेक्स्ट स्टेप में 0 लिखो, कोई टीचर कहती है डायरेक्ट। नाउ आई एम सेइंग डायरेक्ट पुट 0 इन द क्वेश्चन, ओके, इफ यू आर डन। तो अब हमें क्या करने वाले, हमें डायरेक्ट 0 पुट कर दिया। सेकेंड स्टेप इज एट द कॉन्सिक्यूटिव नंबर, वॉट विल बी द ट्रिक, एट द कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, देखो सक्सेसर होता है उसके आगे का नंबर, प्रीडिसेसर उसके पहले का नंबर। कॉन्सिक्यूटिव माने लगातार, अब जो हमारे गिवन क्वेश्चन में लगातार नंबर है उनको हम बोलेंगे कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, देखो 0 प्लस 4, एक ही नंबर 2 बार प्लस होता है। ध्यान रखो इन सब ट्रिक्स में, एक बार अपने आगे के नंबर में, एक बार अपने पहले के नंबर। अब 0 से पहले तो कुछ है ही नहीं, तो 0 प्लस 4 4 स्लैश 4 प्लस 7 11। अब देखो यहाँ 4 प्लस 0 भी हुआ है और 4 प्लस 11, बिल्कुल क्लियर रखना। और थर्ड स्टेप इज 4 प्लस 7 7 प्लस 0 7, आंसर इज 5 1 7। तो व्हाट वी डिड, पुट 0 इन द क्वेश्चन, डायरेक्ट वी विल पुट 0 इन द क्वेश्चन, देन एट द कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कौन सी क्यू टेन, जो लगातार नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक नंबर 2 बार प्लस हो रहा है, अपने से पहले नंबर में भी और अपने के नेक्स्ट नंबर में भी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 11। डन, अब इसको मैं आपको डिटेल में करा देती हूँ एक बार, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन 27 इंटू 11, 27 इंटू 11 वी पुट 0, हमने 0 लगा दिया। 0 प्लस 2, अभी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं एक क्वेश्चन में लिख देती हूँ,
ताकि आपको हैबिट रहे। इसके बाद मैं नहीं लिखूंगी ऐसे। 2/9/7 आंसर इज 297। 3 digit put a 0 before and after the number 3/5/11/9/9163। Done. 4 digit into 1 digit again put 0 before and after the number 3/11/12/13/9. Write the answer. Now if you are doing a practice, so you will be become very habitual to write the answer. Okay, now done. I think concept is clear, how we multiply by any number by 11. इसीलिए मैम एक क्लास में केवल मल्टीप्लीकेशन बाई 11 ही कराती है। अब इसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हाउ वी मल्टीप्लाई दस एनी नंबर बाई 12, बाई 13, बाई 14, बाई 15, सेम एज बाई 19। 12 का कॉन्सेप्ट देखो बेटा, सपोज 423 इंटू 12, माई नंबर इज 423 इंटू 12। First step I told you that is the same in all 19 ways. Put 0. Or direct you can put 0 in the question. Now what you have to do? Listen carefully. 11 में हमने क्या किया? Add the consecutive number. अब 12 के लिए हम क्या करने वाले हैं? ध्यान से देखेंगे. 12 के लिए जो first number है हमारा, हम पहले से 2 से multiply करेंगे. Why 2? Because in 12 it is 2 more than 10. 12 में क्या मोर देन है 10 से? 2. तो वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर आफ्टर इट 0 टू जा 0, फिर जो आंसर हमारा आ रहा है कब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम नेक्स्ट नंबर में प्लस करते हैं। 0 टू जा 0 प्लस 4 आंसर इज। अब यदि तुम लोग देखो ऐसे लिखते हो 0 टू जा 0 प्लस 4, कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो नो नीड टू राइट, डायरेक्ट करो आप सेकेंड नंबर, बस धीरे धीरे चलो और लेफ्ट हैंड की फिंगर को रखते जाओ, हाइड करते जाओ, ठीक है, छुपाते जाओ। अब नेक्स्ट नंबर इज 4, 4 टू जा 8, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट नंबर ऐड करना है। 4 टू जा 8, 8 प्लस 2 10, नेक्स्ट नंबर इज 2, 2 टू जा 4, 4 प्लस 3 7 स्लैश 3 टू जा 6, 6 प्लस 0 6। नो नीड टू बिकम कंफ्यूज व्हाट वी आर डूइंग, हम फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हाई वी आर मल्टीप्लाई बाय 2? बिकॉज वी हैव 2 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 2 मोर देन 10। 12 से मल्टीप्लाई करना है और 12 2 से 2 ज्यादा है ना 10 से बेस, इसलिए हम फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट नंबर उसमें प्लस कर रहे हैं। तो आंसर इज 6705। डन। अब यही क्वेश्चन आपका बन जाता है 04230 इंटू 17। 17 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेप मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में कर दिया, 0 आगे पीछे लगा दिया। अब मुझे क्या करना है? अब फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? यस 7, बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 17 एंड विच इज 7 मोर देन बेस, 17 इज 7 मोर देन बेस, दैट इज 10, 10 से 7 ज्यादा है ना, तो अब हम इसको 10 7 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नेक्स्ट नंबर को ऐड करते हैं।